So good morning students uh, in previous video I had told you about the blood vessels and blood vessels are of three types arteries veins and capillaries and blood flows in these vessels okay now I am telling you about the blood cells blood cells the so, blood cells are also three types RBCW in, and uh, platelets I am telling you about the first one that is a आर बी सी आर बी सी इज नोन एज अ रेड ब्लड सेल्स एंड दिस रेड ब्लड सेल्स आर ऑल्सो नोन एज द एरीथ्रोसाइट्स ओके वेयर एवर यू आर फाउंडिंग दिस साइट वर्ड साइट का मतलब होता है सेल ओके सेल दिस साइट मीन्स सेल एंड एरिथ्रो मीन्स रेड ब्लड तो रेड ब्लड सेल्स नोन एज अ एरिथ्रोसाइट्स और यू कैन राइट दिस रेड ब्लड सेल्स आर बी सी ना आर बी सी आर स्मॉल स्मॉल होती हैं बाई कनकेव होती हैं बाई कनकेव का क्या मतलब है जो इनका स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का होता है दिस इज अ बाई कनकेव ओके सो देर आर टू लेयर्स एंड दिस इज अ कनकेव उभरा हुआ पार्ट दिस इज अभ ये बीच का पार्ट जो है वो उभरा हुआ पार्ट है एंड बाई कनकेव यानी कि एक लेयर ये और एक लेयर ये बाई का मतलब होता है टू बाई जिसमें दो लेयर्स हो एक लेयर एक लेयर और ये बीच वाला पार्ट क्या है थोड़ा सा उभरा हुआ है सो दिस इज अ बाई कनकेव एंड डिस्क शेप्ड डिस्क का मतलब गोल सो द शेप इज द शेप ऑफ द आरबीसी डिस्क शेप्ड नाउ आई एम एडिंग मोर दे हैव अ न्यूक्लियस इनिशियली तो इनिशियल स्टेज में जब वो स्मॉल होती हैं तो उसके अंदर क्या होता है न्यूक्लियस बट द मैच्योर आर बी सी जब वो आर बी सी बड़ी हो जाती है मैच्योर हो जाती है पूरी तरीके से तो आर बी सी लैक्स है न्यूक्लियस तो उसमें न्यूक्लियस नहीं रहता द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ द आर बी सी इज़ अबाउट वन ट्वेंटी डेज तो आर बी सी वन ट्वेंटी डेज तक ही जीवित रहती है देन आफ्टर वन ट्वेंटी डेज एक नई आर बी सी बनती है और ये आर बी सी कहाँ पर बनती है हमारे बोन मैरो के अंदर बोन मैरो होता है बोन मैरो इज प्रेजेंट इन आवर बैक बोन ओके तो बोन मैरो इज आवर बैक बोन इज कंटेनिंग बोन मैरो एंड आर बी सी इज डेवलप्ड इन साइड दिस बोन मैरो ओके नाउ दे आर रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्लड का जो कलर होता है वो रेड के होता है अब हम जानते हैं कि आर बी सी आर बी सी भी है डब्ल्यू बी सी और प्लेटलेट्स है आर बी सी के अंदर क्या होता है हीमोग्लोबिन एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन द कलर ऑफ द ब्लड इज रेड ओके हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट तो जो हीमोग्लोबिन है वो कैसा है रेड कलर है और आयरन कंटेनिंग है आयरन क्या होता है एफ ई आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा यू मस्ट हैव स्टडीड इन केमिस्ट्री आयरन इज डिनोटेड बाय द एफी सो आयरन कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट में यानी कि हमारे कहाँ पे पाया जाता है लंग्स में ओके सो दिस रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज फाउंड इन साइड द लंग्स एंड इस ब्लड हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर कैसा होता है रेड ना इट कैरीज ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन सो इट कैरीज ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ from फ्रॉम द लंग्स टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन लंग से निकलता है और कहाँ जाता है पूरी की पूरी बॉडी में इसीलिए लंग से निकलते हुए पूरा ब्लड हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता रहता है नाउ इट आल्सो कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का मतलब जो सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ जब कंबाइन होगी तो वो क्या बनाएगी कार्बामिनो हीमोग्लोबिन सो इट ऑल्सो कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस्ड बाई द सेल्स एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू नाउ ड्यूरिंग ड्यिंग द्रेकडाउन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड जब फूड का ब्रेकडाउन होता है तो सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है और क्या बनाती है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनने के बाद किधर जाता है लंग्स के अंदर और लंग्स में लंग्स में क्या होता है लंग्स में इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन यानी कि हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो जब एक्सहेलेशन की प्रोसेस होती है तो लंग्स के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड से बाहर निकल जाता है अंडरस्टैंड दिस ना आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो अभी मैंने आपको बताया कि आरबीसी कहाँ बनती है बोन मैरो के अंदर और बोन मैरो पर पाया जाता है बोन मैरो इज प्रेजेंट इन दवर बैक बोन ओके नाउ कम ऑन द वाइट ब्लड सेल्स वाइट ब्लड सेल्स इज नोन एज अट जैसे आरबीसी का दूसरा नाम क्या था एरिड यहां पर भी देखिए साइट का मतलब क्या होता है सेल्स और ल्यूको का मतलब व्हाइट तो ल्यूको leukos, ल्यूकोसाइट का मतलब वाइट ब्लड सेल्स ना डब्ल्यू बी सी आर कलरलेस एंड इरेगुलर शेप इनका कोई कलर भी नहीं होता और शेप कैसा होता है इरेगुलर जबकि आर का शेप कैसा था बाई कन के बट हेयर डब्ल्यू बी सी इज हैविंग इरेगुलर शेप दे हैव अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस यानी कि जितनी भी आर होंगी जितनी भी डब्ल्यू होंगी डिस्टिंट न्यूक्लियस का मतलब ये अगर एक डब्ल्यू है ये दूसरी डब्ल्यू है ये तीसरी डब्ल्यू है ये चौथी डब्ल्यू है एंड सो ऑन तो इसका डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस यानी कि हर डब्ल्यू के अंदर अपना एक न्यूक्लियस होगा दिस इज अ न्यूक्लियस सो इसका मतलब होता है डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस सो डब्ल्यू बी सी इज हैविंग अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस ना they do not have hemoglobin there hemoglobin nahi hota and these cells are produced in the lymph node what is lymph node i will tell you later and this uh, these cells are uh, produced inside the lymph node and in the spleen i'll tell you about the spleen spleen is organ and this organ is situated up ऑन द अपर साइड ऑफ द स्टमक तो स्टमक के ऊपर एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है स्प्लीन एंड स्प्लीन इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन अवर इम्यून सिस्टम ओके एंड आर बी सी डब्ल्यू बी सी एंड प्लेटलेट्स इन दिसन इन दिस ऑर्गन ओनली ओके ना द मेन फंक्शन ऑफ द डब्ल्यू बी सी इज टू प्रोटेक्ट अस अंगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इंटर ओअर बॉडी सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं बैक्टीरिया वायरस फंगस दीज ऑल आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर इंटर करेंगे तो क्या होगा हमें डिजीज हो जाएगी तो मेन फंक्शन क्या डब्ल्यू बी सी का इज़ टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम तो ये बैक्टीरिया वायरस या फंगस को हमारी बॉडी के अंदर इंटर नहीं करने देता जिससे कि हम क्या होते हैं बीमार नहीं पड़ते है ना एंड वी डू नॉट फॉल सिक एंड दे